बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। आज हम आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चिकन मंचूरियन, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, एक अंडा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून लहसुन, जिसको मैंने बारीक फाइन चॉप कर लिया। चिकन हमने लिया है हाफ ब्रेस्ट। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन, चिली फ्लेक्स, सुरख मिर्च, नमक, सोया सॉस, 1 अदद अंडा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब चीज़ों को डालकर हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे चिकन को मैरिनेट हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह से इसका लाइट गोल्डन कलर हमने इसको दिया है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ज़्यादा डार्क करके जब हम इसको बाकी रेसिपी में डालेंगे तो फिर ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लाइट ब्राउन कलर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चिकन हमने फ्राई कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना क्रिस्पी जो है वो फ्राई हुआ है। अब बाकी में हमें रेसिपी के लिए चाहिए शिमला मिर्च, प्याज, चिली गार्लिक सॉस, कॉर्नफ्लावर, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, पेपरिका पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च, चीनी और हरी मिर्चें। अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं उसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, तो थोड़ा सा हम सोते कर लेते हैं ताकि लहसुन की जो हल्की सी शार्प स्मेल होती है वो ज़रा कम हो जाए। ये देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा सोते हो चुका है। ग्रीन चिली जो 4 से 5 अदद थी मैंने बारीक काट ली है। इसी के साथ हम डालते हैं प्याज, जो 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में या बेल शेप में, जो भी आप इसको कहें, तो वो इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करते हैं। शिमला मिर्च, ये भी एक मेरे पास बड़े साइज़ की थी, इसको भी मैंने उसी तरह से क्यूब की शेप में काट लिया है। हमने प्याज और शिमला को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनकी कलर चेंज हो जाए, बस हमने थोड़ा सा इनको सॉफ्ट लुक देनी है। अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, नमक 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है और ये सॉसेस वगैरह में भी सब में होता है, इसीलिए हम उसी के मुताबिक थोड़ा डाल लें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस, चिकन जो हमने फ्राई किया था वो डालते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरा चिकन ज़्यादा है, मैंने सब्ज़ियाँ जो है वो कम डाली हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पसंद करते हैं। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, उसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल के तो उसको मिक्स कर लिया। अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते हैं ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। चलिए माशाल्लाह से हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी है। अब हम सर्विंग प्लेट पर निकाल के तो फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन मंचूरियन जो है हमारा रेडी है। इसको हमने फ्राइड राइस के साथ सर्व किया है। माशाल्लाह से इसका टेस्ट मैंने चेक कर लिया है, टेस्ट माशाल्लाह से बहुत मज़े का इसका। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।